आखिर उस फिल्म का ट्रेलर आ गया जिसके इंतजार जबान पठान भाईजान और पूरे हिंदुस्तान को था। मेकर्स पूजा के घूंघट उठाने में जितने प्रमोशन किए हैं ना, उतने में तो हमारे यहाँ 2 4 शादी निपट जाते हैं। मगर इतने इंतजार के बाद जो ट्रेलर निकल के आया है वो अधिक लगती है। बात करें ट्रेलर की तो लगभग 3 मिनट 11 सेकंड की ट्रेलर है, जिसे देख के लगा कि थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया। मतलब ट्रेलर देख के साफ पता चल रहा है कि स्टोरी क्या होने वाली है, पर ये नहीं कह रही हूँ कि ट्रेलर अच्छी नहीं है। ट्रेलर काफी अच्छी है। ड्रीम गर्ल में जहाँ आयुष्मान पूजा की आवाज में लोगों को अपना दीवाना बनाते थे, वहाँ यहाँ पे आयुष्मान अपने प्यार को पाने के लिए पूजा बनने वाले हैं, क्योंकि अनन्या के पिता आयुष्मान के सामने रख देते हैं सर, जिसे पूरा करने के बाद ही वो शादी कर सकते हैं, और इसकी वजह से आयुष्मान को बनना पड़ता है पूजा। ट्रेलर देख के लग रहा है कि पूजा डांस करके पैसा कमाने का प्लान बनाई होती है, पर उन्हीं पे ही उनका प्लान भारी पड़ जाता है और बात शादी तक पहुंच जाती है। अब देखना ये है कि इन सिचुएशन से आयुष्मान कैसे और कब तक डील कर पाते हैं। ट्रेलर शुरू से अंत तक चेहरे में हंसी बनाई रखती है और ट्रेलर में सपोर्टिंग कास्ट भी काफी तगड़े नजर आ रहे हैं, जिन्हें देख के फिल्म के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। ट्रेलर के अंदर आयुष्मान ने क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है यार, मानना पड़ेगा। टैलेंट कूट कूट के भरा है इस बंदे में। वैसे अनन्या ने भी अपना रोल ठीक ठाक निभाया है। ड्रीम गर्ल में जो बीजीएम सुनने को मिलता है, वही बीजीएम यहाँ भी सुनने को मिलता है, जिससे सुन के मजा आ गया। ओवरऑल ट्रेलर तो प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। अब इंतजार है तो सिर्फ फिल्म का। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खत्म।